झालावाड़ राजस्थान पुलिस ने एक सप्ताह पहले लोहार मोहल्ला के एक मकान से हुई चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर इससे 16 लाख रुपए मूल्य का माल बरामद किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि लोहार मोहल्ला निवासी मोहम्मद इकबाल लोहार ने 24 मई को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह 19 मई को अपने पूरे परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर इंदौर चाचा के यहाँ शादी में गए हुए थे। 23 मई की रात को उनका परिवार शादी से वापस लौटा, तब घर को संभाला तो पीछे गली की ओर स्थित दरवाजा टूटा हुआ था। छत पर अट्टे के रास्ते का भी ताला टूटा हुआ था। इसके साथ ही 3 कमरों के भी ताले टूटे मिले। जिस पर घर पर रखे सामान को चेक किया तो 3 कमरों की अलग अलग अलमारियों में रखे करीब 14 तोला सोना और 4 किलो चांदी के आभूषण गायब मिले। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। विशेष टीम का गठन, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी लाल मीणा के निर्देशन में उप अधीक्षक ब्रजमोहन मीणा, थानाधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा, सहायक उप निरीक्षक बने सिंह महावीर सिंह, हेड कांस्टेबल गौतम चंद, प्रीतम सिंह सीताराम, कांस्टेबल बाबूलाल स्वामी, महिपाल मांगीलाल, प्रेमाराम कनड़ सिंह, झालावाड़ कोतवाली के विश्वनाथ सिंह की टीम गठित की गई। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।